वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो इन्होंने भी लॉकडाउन में अपना व्यापार बंद रखते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए साथ दिया था। जयपुर व्यापार मंडल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश केडिया ने भी रात्रि कर्फ्यू को जनहित में बताया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी लोग भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए नो मास्क नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हम सब व्यापारियों का था कि शादी ब्याह से जो है सभी व्यापारियों को जो है इसमें राहत मिलेगी, राहत मिली भी है। अब चूंकि अगर सरकार इस गाइडलाइन पे चल रही है कि हमें 7 बजे व्यापार बंद करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बंद करना चाहिए। ये रात्रि कर्फ्यू बहुत अच्छी बात है लगा है, लेकिन इसमें नुकसान हो रहा है व्यापारियों का। भाई पहले दिन में इतनी महामारी चल रही है, हम मानते हैं कि भी अपने कोरोना पॉजिटिव बहुत निकल रहे हैं प्रदेश के अंदर में, लेकिन रात्रि कर्फ्यू से और भी ज़्यादा नुकसान हो गया व्यापारियों को। अच्छा, ग्राहक हमारे पास भी कई बार ऐसे आते हैं, जैसे मास्क नहीं होता, हम उनको पहले बोलते थे भैया मास्क लगाइए, अगर नहीं लगाते तो आप जा सकते हो। बिल्कुल हमें मतलब ऐसे कस्टमर नहीं चाहिए जो कि अपने को रिस्क हो। बिल्कुल नो मास्क नो एंट्री, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर कस्टमर को चीज़ अगर चाहिए भी होगी तो वो समय के अनुसार आ जाएगा, क्योंकि सबको अगर जागरूकता हो जाएगी भाई 7 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है, वो अपने हिसाब से जो भी है परचेजिंग कर लेगा। बिल्कुल